बंधा नावा असंग का लोग ठानावाना बेटा बेटी पढ़ तो तोर घरवा हो जाए तो अंजोर अदिति हट जाई है अंगूठो निशानावा अकलो संगे गठानावाना। इतना जब हम बात सुने भैया तो हम दीदी से बोले कि दीदी हमको आप समूह में जोड़ दीजिए, लेकिन हमारे पास सप्ताह में 10 रुपया नहीं जुट। तो दीदी बोली कि दीदी हम 10 रुपया जुटाने के वकील हम आपको बता रहे हैं। हम बोले कि दीदी बताइए, तो दीदी बताने लगी तुम खाना बनाती हो ना, तो कहने कि हाँ दीदी हम खाना तो बनाइबे करी ना। सबसे पहले नीतीश भैया के प्रणाम एवं सभी दीदी भैया को भी प्रणाम। हमार नाम गीता कुमारी है, हम नचा पंचायत और छोटा डिगाम से हूँ, चौंगाई प्रखंड से हूँ, थाना मुरार जिला बक्सर से हूँ। जब हम जीविका में ना जुड़ा रही तो हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहे, कहें कि हमारे पति के होते हुए भी उसका पैर में दोनों पैर में दिक्कत था तो वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो जीविका दीदी समूह बना रही थी तो हम देखे तो वो अपने माध्यम से समझा रही थी, भाव से अपने विचार से बोली से समझा रही, तो हम फिर लौट कर चले, हमको नहीं समझ में। जब दीदी गीत गाकर समझाने लगी तो कुछ दीदी मानी कुछ दीदी नहीं मानी, तो दीदी गीत गाई नहीं तो फिर हम बाहर अंदर आए तो बाहर जाए अपने दरवाजा पे तो यही दीदी गीत एक लाइन में गा रही थी 2014 में। हमको पूरा तो याद नहीं है लेकिन एक लाइन याद है कि दीदी तोड़ दे हूँ पौआ के बंधानावा असंगे का लोग ठानावाना बेटा बेटी पढ़ तो तोर घरवा हो जाई तो अंजोर दीदी हट जाई है अंगूठो निशानावा अकलो संगे गठानावाना। इतना जब हम बात सुने भैया तो हम दीदी से बोले कि दीदी हमको आप समूह में जोड़ दीजिए, लेकिन हमारे पास सप्ताह में 10 रुपया नहीं जुट। तो दीदी बोली कि दीदी हम 10 रुपया जुटाने के वकील हम आपको बता रहे हैं। हम बोले कि दीदी बताइए, तो दीदी बताने लगी तुम खाना बनाती हो ना, तो कहने कि हाँ दीदी हम खाना तो बनाइबे करी ना, लेकिन तो रोज के खाना में से एक एक मुट्ठी चावल काढ़ के तू रखबु नो तो तहार साप्ताहिक 10 रुपया बचत हो जाए। हम कहनी ए दीदी तो तहारा घर, हम कहनी कि ठीक बा दीदी, तो रोज के हम खाना जौन बनावत रही उनमें से एक मुट्ठी चावल काढ़ के रख देते रही और सातवा दिन बेच के वो 10 रुपया हम समूह में भर देते रही। ऐसे ही भरते भरते तो हमारे पति कोनो काम ना करते रहन, तो हम कहनी दीदी हमारा के कुछ तो काम तो करवाई जाए। तो बोली कि ठीक बा का कहल चाहत, हम कहनी दीदी हम दुकान कहल चाहत नहीं, तो कहली कि ठीक बात हम समूह से लोन लेके दुकान करनी। हमारे पति दुकान चलावे लगलन, अच्छा खासा हमारा मतलब बिजनेस चलने लगा, तो हम ठीक हो गए उस समय खुशहाल हो गए। लेकिन हम खुद का भैया मालिक बनना चाहते थे, लेकिन हमको संभव था कि हम खुद का मालिक बने। तो फिर हम बोले दीदी से और भैया से, तो बोले कि ठीक है तुम बनो। तो जो पीएम फंड बोलते हैं उससे हमें 10,000 रुपया मिला, उस हम सातू और चना और खरीदे सातू बनाने लगे और बेसन, उसे एगो जाँता खरीदे, जाँता में हम अपना सातू करते थे और फटकते थे, जोते ही पीसते थे, हम अपना ग्राम संगठन में बेचते थे और समूह में भी बेचते थे। हमारा सेलिंग अच्छा खासा होने लगा तो हम अपना हम दो दीदी को रख लिए फटकने के लिए और धरने के लिए, उसका भी हम मेरा रोजगार तो बढ़िए गया, लेकिन दीदी का को दो रोजगार दिए, एक घुनसार वाली दीदी का रोजगार दे दिए, 3 दीदी का रोजगार दिए। इससे हमारा अच्छा खासा महीना में हम 6 से 8 हजार हम अपना बचा लेते हैं, हम आज का खुद अपना मालिक बन गए। इससे हमारा नीतीश भैया जो जीविका समूह चलाए, इससे हम बहुत हमको जीने का कि सहारा एक मिल गया। बहुत बहुत नीतीश भैया को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही जीविका दीदी पर अपना हाथ रख रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।